फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में महानगरों में हुए कई कंपटीशन में किताब जीतकर छोटी उम्र में ही शोहरत हासिल की है रिया साक्यवार ने। अपने शहर में फैशन स्टोर खोलने जा रही हैं अब वो, जिसे यहाँ युवा जगत में नई हलचल मच गई है। अब तक कई ऐसे सेक्टर जो महानगरों की थाती माने जाते थे, उनमें आसपास के युवा स्टार बनकर स्थापित होने लगे हैं, जो उरई जैसे छोटे शहर के निवासियों को बहुत ही गुदगुदा रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग भी आधुनिक सेक्टर की एक ऐसी विद्या है जिसे कैरियर के रूप में अपनाने के लिए यहाँ की कोई युवती आगे आने का साहस करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन उमरा खेरा की रिया साक्यवार ने इस क्षेत्र में धमाकेदार आगाज करके स्थानीय युवाओं को महत्वाकांक्षा का एक नया धरातल दे दिया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिया फैशन की दुनिया में पहले ही धूम मचा चुकी हैं। गत 6 जुलाई को आसमा हुसैन फैशन इंस्टीट्यूट के 2019 के मुकाबले में उन्होंने शानदार किताब जीता और फैशन इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती आसमा हुसैन के हाथों ट्रॉफी हासिल की, जो उनके लिए दुर्लभ उपलब्धि थी। इसके साथ ही वे लखनऊ डिजाइनर वीक में बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का तमगा भी हासिल कर चुकी हैं। और भी कई अन्य कॉम्पिटिशन में उन्होंने अकाउंट स्टैंडिंग कलेक्शन अवार्ड, जीजो ब्यूरो चॉइस अवार्ड, बेस्ट कलेक्शन अवार्ड आदि से नवाजा जा चुका है उन्हें। वे स्टूडेंट लाइफ से ही फैशन डिजाइनिंग में अपना ऊंचा मुकाम पाने के लिए काम करती आ रही हैं। 2015 में कानपुर के जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड एनुअल डिजाइनिंग अवार्ड में उन्हें हॉलीवुड की एक्ट्रेस किल्ली पेल्जन के लिए ड्रेस डिजाइनिंग का मौका मिला, तब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रिया ने अपनी कामयाबी के लिए अपनी माँ लक्ष्मी देवी और पूरे परिवार के सपोर्ट का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा है कि वे आत्मनिर्भर और सफल महिला के रूप में अपना विशिष्ट पहचान बनाना ही उनका एकमात्र मकसद रहा है और उसमें उन्हें जो भी कामयाबी मिली है उसका पूरा पूरा श्रेय उनकी माता जी को जाता है। साथ ही रिया ने जाते जाते पत्रकारों के लिए भी सम्मान प्रकट किया।